सभी के पास प्रिंट किया हुआ आधार कार्ड होता है जो कहीं भी बारिश में या किसी भी वजह से बार बार वैलेट से निकालने में वो खराब हो जाता है या फिर फट जाता है, स्क्रेचेस उसके ऊपर आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह से आप पीवीसी आधार कार्ड इशू कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, कितनी उसकी फीस होती है, किस तरह आप घर बैठे उसको ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, बाय पोस्ट यानी डाक के द्वारा वो आपके घर पे आता है, तो इसका पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं टेक हेल्पर हुसैन चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए आ जाना है आपको माई आधार में। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड का, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना कैप्चा फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप डायरेक्टली सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे अपना एक कोई भी मोबाइल नंबर डालेंगे जिसपे ओटीपी आएगा और यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, वो आपको यहाँ पे फिलअप करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ से कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको 50 रुपीज़ पे करने हैं, यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप क्रेडिट कार्ड से या वैलेट से या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपना UPI ID सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फ़ोनपे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपनी UPI डाल के इसको वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। कुछ इस तरह का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, ट्रांजेक्शन स्टेटस आपको दिखेगा और यहाँ से आपको अपना SRN नंबर दिखेगा, आपको यहाँ से इस SRN नंबर को कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने 50 रुपीज़ का जो पेमेंट है वो कर दिया है, यहाँ पे आप कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ डाउनलोड एक्नोलेजमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपकी एक स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी स्लिप जो है वो डाउनलोड हो गई है और यहाँ पे रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट डेट, SRN नंबर वगैरह यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब इसको आपको ट्रैक करना है, ट्रैक करने के लिए आपको वहीं वापस से उसी होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा चेक आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर स्टेटस, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको SRN नंबर जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है, यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।